सुनो, लोगों ने उल्टा मतलब निकाल लिया कि क्या भजन लिखिया, लोगों को खाटू जाने से मना कर रहा है। मूर्ख थे वो लोग, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, बेले होते हैं, जो बेले होते हैं वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर जय श्री श्याम के अलावा सब कुछ कहते हैं, लेकिन जय श्री श्याम नहीं कहते। इस भजन में भी लिखने वाले ने क्या लिखा उसके भाव सुनना। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूं मैं श्याम के द्वार, मुझे आपसे ज्यादा आवाज की एक्सपेक्टेशन थी, ये तो 50% आवाज है। लगता है इतने ही लोग, 50% लोग हर बार खाटू आते हैं। जो हर बार जिनको खाटू बुलाता है वो जरूर बोलना, ग्यारस की ग्यारस हर बार आता हूं मैं श्याम के द्वार, जाता हूं मैं श्याम के द्वार, पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार। क्या लगता है? अरे खाटू गए बगैर, खाटू गए बगैर, पूरे हाथ उठा लेना पूरे पूरे। अरे खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया, खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूं मैं श्याम के द्वार, पर मुझको घर बैठे ही ऐसा लगता है कई बार, बोलो, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार। खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया, दर्शन किए बगैर मुझे दर्श मिल गया। किसको किसको लगता है? तालियां। तालियां बजाओ ना। मैंने पूछा किसको किसको लगता है, सबने हाथ उठा लिया। अरे अभी तो मैंने बताया नहीं है कि कैसे मिलेगा, कैसे खाटू गए बगैर श्याम मिलेगा। बहन जी, ओ बहन जी, आंटी जी, 2 मिनट मत जाओ। देखो जो जाना चाहते हैं 2 मिनट मत जाना, तालियां बजाओ। आपको खाटू जाना है, घर से निकले, लेकिन रास्ते में आपको क्या मिल गया, तालियां बजाना। मिल जाता है मुझे अगर अंधा लंगड़ा रास्ते पर, अंधा लंगड़ा रास्ते पर उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर, उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब। हाथ उठाओ ना। उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर, उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर। लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। जिस दिन किसी लूले लंगड़े को, अंधे को हाथ पकड़कर आप उसके घर पहुंचाओ देगे ना, निशान रिंगस से खाटू लाने की दरकार नहीं होगी, श्याम चलकर आपके दरवाजे पर आ जाए। तालियां बजाओ। लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया, बोलो, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। तालियां बजाना।
देखो ठंडे पड़ गए, चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, जब श्याम प्रेमी गाए ना बिल्कुल मंदा कर देना, अरे चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, चीर उड़ाया उसको तो आंखें हो गई उसकी नम, चीर उड़ाया उसको तो आंखें हो गई उसकी नम, ऐसा लगा मुझे कि मेरा श्याम सज गया, ऐसा लगा मुझे कि मेरा श्याम सज गया। बोल श्याम, कोशिश करना प्रेमियों, जिसका सब कुछ टूट चुका था, कुछ भी सही सलामत नहीं था, उसे किसी ने कह दिया शाम के बाद दरबार में चल जा सब जुड़ जाएगा, वो विश्वास करके शाम के दरबार में जाने लगा, हर ग्यारस को जाने लगा। आज मैं भी श्याम के इस सुप्रीम कोर्ट में बोलता हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोर्ट मेरे बाबा का है, खाटू वाले का। हर कोर्ट में कई अपील होती है, कई वकील होते हैं, कई जज होते हैं, फैसला भी कई बार कई कई बरस तक नहीं आता। इस कोर्ट में ना कोई वकील है ना कोई जज है, बस सिर्फ बाबा है, और फैसला भी एक बार में आता है और हक के पक्ष में आता है, पक्ष में आता है। मैं आज इस सुप्रीम कोर्ट में कसम खाटू वाले की, ग्यारस के ग्यारस खाटू आने लग जाया करो, काम काज घर परिवार इसकी चिंता इस पर छोड़ दिया करो, सब कुछ छोड़कर इसके पास आ जाया करो। आप कलकत्ते से दिल्ली से बंबई से खाटू के लिए चलोगे, ये खाटू से आपके घर के लिए चलेगा। जितनी देर अपने घर से निकलकर यहां पहुंचोगे और यहां से निकलकर घर पहुंचोगे, उतनी देर आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा प्रेमियों। उस श्याम प्रेमी ने भी सुन ली बातें, पहुंच गया बाबा के दरबार में और कहकर आया, बाबा कुछ बचा नहीं है, इसलिए बस एक अरदास करता हूं कि जल्द से जल्द बुला लेना, दुनिया से जाऊं इससे पहले दोबारा बुला लेना। एक महीने के अंदर बाबा ने उसे दोबारा बुला लिया। अब बताओ इतने शॉर्ट पीरियड में पेपर भी, हर किसी कोर्ट में पेपर भी सबमिट नहीं होते हैं, लेकिन अगले महीना आने से पहले बाबा ने उस प्रेमी को बुला लिया, उसका सब कुछ सबमिट हो गया। पिछली बार आया था रोते गाते, और इस बार ढोल नगाड़ा लेकर साथ में आया, और आकर उसने पहले तो खूब ढोल बजवाया, वारा फेरी करी, और मंदिर में चढ़ा और उसने झूम झूम कर क्या कहा, आइए। सब जगह से निकाले हुए तेरी महफिल में शामिल हुए, बोलो सब कहा बाबा से, बाबा सबने लात मार दी, किसी ने गले नहीं लगाया, सब ठोकर पे ठोकर मारते चले गए,
किसी तरह तेरी महफिल में शामिल हुए बाबा, लेकिन जो अपनों ने, जो अपने थे उन्होंने ठोकर मारी। तू तो मेरा कोई नहीं था, न मेरा भाई था, न मेरा पिता था। आज तो सब कुछ है, लेकिन उस समय तो कोई नहीं था बाबा। मैं तो जानता भी नहीं था तू कौन है, कहां रहता है, तेरी फितरत क्या है। लेकिन तेरी महफिल में आने के बाद सच कहे ऐसी कृपा हुई, अब जमाने के काबिल हुए। सच कहे ऐसी अब जमाने है मिजाजी ये मौसम बुरा, है मिजाजी ये मौसम बुरा। तू दवा मेरे हर मर्ज की, है मिजाजी ये मौसम बुरा। तू दवा मेरे हर मर्ज। और सुनो, शाम तेरी लगन जो लगी तो अगन भी लगे बर्फ सी। शाम तेरी, अरे जोर से बोलो ना, तो अगन भी लगे। इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। तेरी परछाई हम पे बिछी, जो मिठाई पे हो बरक सी। तेरी, किससे लिखवाया पता है आपको? नहीं, ये भजन बाबा ने उससे लिखवाया जिसको कभी मोबाइल का बटन नहीं मालूम था। आज वो झुंझुनवाला जी, निर्मल झुंझुनवाला जी हमारे सामने बैठे। एक बार पूरे हाथ उठा लो, पूरे हाथ, पूरे पूरे, और जोरदार जोरदार तालियां बजाकर बोलना। शाम तेरी लगन जो लगी तो अगन भी लगे बर्फ सी। शाम तेरी लगन जो लगी तो अगन भी लगे बर्फ सी। तेरी परछाई हम पे बिछी, जो मिठाई पे हो बर्क सी। तेरी परछाई हम पे बिछी, जो मिठाई पे हो बर्क सी। शाम तेरी लगन जो लगी तो अगन भी लगे बर्फ सी। कितनी बड़ी आग का दरिया बह रहा हो प्रेमियों, शाम का नाम लेकर निकल जाना, लगेगा कि कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो। आइए प्रेमियों, मत उठना,